बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबाना रसोई। तो आज मैं अपनी किचन में बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा फ़िश फ्राई। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखें, इसे बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें। इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसे दरदरा पीस लेंगे। और ये मेरे पास 1 kg सुरमई बोनलेस फिश है, इसे मैंने अच्छे से धोने के बाद 1 टेबल स्पून नींबू के रस में 10 मिनट मैरिनेट करके छोड़ दिया था। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। और अब 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून अजवाइन को अपने हाथों से क्रश करके इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ये होममेड है। और 2 टेबल स्पून जो हमने अभी पाउडर बनाया था उसे शामिल करेंगे। इसे और भी टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए शामिल करेंगे 4 टीस्पून इमली का पल्प। इमली को मैंने 20 मिनट से पानी में भिगो कर रखा हुआ था। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 30 मिनट मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 4 से 6 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो देखें, इसे मैंने 30 मिनट के लिए ही मैरिनेट किया था। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन और 1 pinch रेड फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन रेस्टोरेंट वाले इसे ज़रूर डालते हैं, इससे इसका कलर अच्छा आता है। और अब इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इधर मैंने गैस पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, ये मस्टर्ड ऑयल है। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म है, इसके अंदर एक एक करके फिश अरेंज करेंगे जितना इसके अंदर आ सकता है। तो पहले 5 से 6 पीस डालेंगे, ज़्यादा डालने से ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिश की कोटिंग उतर जाएगी। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसे 2 से 2.5 मिनट पकने के बाद इसकी साइडों को चेंज करेंगे और दूसरे साइड से भी इसे 2.5 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, यानी 5 से 6 मिनट में फिश हमारी फ्राई हो जाएगी। तो देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त, अब तक का सबसे बेस्ट फिश फ्राई रेडी है और ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे आप सर्व करें और ऊपर से चाट मसाला या जो हमने पाउडर मसाला बनाया था स्प्रिंकल करें, सैलेड और चटनी के साथ सर्व करें। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।